जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, किसी भी फिल्म को बनाने के लिए आपके अंदर होना चाहिए जुनून और पागलपन। ये पागलपन उत्पन्न मैंने दो लोगों में देखा, जेपी राणा साहब और संतोष गुप्ता जी। इनके अंदर ये फिल्म बनाने का जो पैशन था, जो जुनून था, वो पागलपन था, आज उसी का अंजाम है, आज उसी का रिजल्ट है। इतनी फिल्म तैयार हुई है, जहां तक मैंने ट्रेलर देखा है, मैंने शायद ही आज तक इतनी खूबसूरत, इतनी मीनिंगफुल फिल्म पहले कभी देखी। और इस फिल्म का संगीत बहुत ही पॉपुलर है। हमारा सौभाग्य है, मुंबई फिल्म अकेडमी का सौभाग्य है कि हम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। इस फिल्म की शुरुआत जब मुंबई फिल्म अकेडमी से हुई और आखिर तक अब फिल्म का रिलीज हो गया। दिल से एंटरप्राइज के दिलीप धनवानी जी आज यहाँ मौजूद है। कितनी बात है, कितनी खुशी की बात है कि आज इस फिल्म का बहुत बड़े लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जिनका नाम आप बहुत बड़े बड़े सितारों के बीच पाते हैं, देखते हैं। और हमारे सितारे आज राणा साहब, संतोष गुप्ता जी और मैं फिल्म की हीरोइन जिनका मैं भूल रहा हूँ, दीपांशी जी, इन लोगों की मेहनत आपको इस फिल्म में दिखाई देगी। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ मीडिया से खास कि ऐसे लोग जो जेन्युइन फिल्म मेकर्स हैं, अच्छी फिल्म बनाते हैं, फिल्म जिसके अंदर सोच होती है, पारिवारिक भावना होती है, कुछ समाज को देने की बात होती है, उस फिल्म की पब्लिसिटी प्रमोशन अवश्य करें, जरूर करें। और इसी के साथ से मैं ब्रजेश पांडे मुंबई फिल्म की ओर से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। सैयद साहब आपको विशेष धन्यवाद। सेरेमनी जोरदार तालियां, क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। काफी सिक्का चल खड़े है, बड़ा है। आपने उनकी उपस्थिति में हमारी फिल्म तेलुगु रिलीज हो रहा है और तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर है और फिल्म की कास्ट, क्रू, राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं और फिल्म के, हमारे फिल्म के कुछ कलाकार जो बाहर बैठे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस तरफ आए। स्टेज की जानी भाई, पंकज जी, सतीश भाई, और मैं अनुरोध करूंगा दुर्शासनी जी से मंच तक आए और तमाम लोग जो हमारी फिल्म से रिया देंगे, हमारी फिल्म से भी जुड़े हैं, वो मंच तक आए और इस खूबसूरत शाम, खूबसूरत धन्यवाद। हमारी फिल्म का म्यूजिक रिलीज हो चुका है, इतनी शिद्दत से मुझे पाने की कोशिश मुझे बुलाने की साजिश की, बड़ी बेसब्री से इंतजार था। हमारी फिल्म का म्यूजिक रिलीज हुआ है कांड, ब्लैक स्कैंडल, गाने इतने खतरनाक, इतने मजेदार, आहा, हर मूड में जा जाए और हर दिल में उतर जाए, ऐसे गाने, ऐसे नगमे लेकर ब्लैक स्कैंडल कांड ब्लैक स्कैंडल आ रही है। जिनका म्यूजिक है येलो एंड रेड म्यूजिक प्रेजेंट करते हैं कांड ब्लैक स्कैंडल ऑल ओवर ग्राउंड रिलीजिंग म्यूजिक ऑफ कांड ब्लैक स्कैंडल। मैं फिर से तमाम मीडिया कर्मियों का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे फिल्म कांड का इतना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। डायरेक्टर बताएंगे कांड। दरअसल इसमें ऐसा है कि लोग अपने अपना अपना घर अपना होता है और कहीं ना कहीं हम अपने घरों से रोने की साजिश खुद रचते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हम एक हर परिवार का, हर माँ पिताजी जो है ना, वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख के बड़े बने और उनको बड़ा बनता हुआ देखा है और इसी वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं उनको और वही तालीम जो है उनको उनके लायक जॉब जो है ना छोटे शहरों में नहीं है और वो लोग बड़े शहर चले जाते हैं और बड़े शहरों में वो और बड़े शहर चले जाते हैं और बड़े शहरों में वो अब्रॉड चले जाते हैं, मतलब अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो क्या होता है कि गांव गांव जाता है, शहर जो है शहर होता चला जाता है, गांव की योग्यता शहर चली जाती है। तो आज के दौर में अगर ऐसी अगर बात है तो शहर में जो जितनी जो विकृतियां फैल रही हैं और गांव में जितनी शुद्धता है तो वहां लोगों को वापस जाना चाहिए, जो माइग्रेट हो रहे हैं लोग उनको वापस जाना चाहिए। और ऐसे काम जो करने वाले हैं वो ये कौन करेंगे, ये भी पढ़े लिखे लोग ही करेंगे, तो इसकी एक जर्नी है। और दूसरी बात ये है कि छोटे छोटे पंचायती राज जो हैं, पंचायती राज ने छोटे छोटे गांव में जहां आपसी शांति और मेल भाव से लोग रहा करते थे, उस बीच में चार पार्टियां खड़े हो गए तो आप समझ सकते हैं कि चार गुट बन गए और ये गुटबाजियां जो है ना आपसी रंजिशों का कारण बनते हैं। और उस बीच में इस रंजिश के कारण जहां प्रॉपर्टी की, जायदाद की,
चुनाव की इलेक्शन की जो चीजें होती हैं उसकी वजह से आपसी रंजिशें जो होती हैं उसके बीच में क्या क्या कांड होते हैं, यही है बेसिकली कांड की स्टोरी। कांड इसलिए कि उसमें ऐसे ऐसे कांड हैं कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये कांड एक्चुअल में ऐसा, ये कांड जो होते हैं जो नेचुरल हैं, जो जैसे गांव में आपने सुना होगा कि बहुत सी गांव को सेंसिटिव घोषित कर दिया जाता है, तो वहाँ ऐसे क्या कांड होते हैं यही देख कांड है। पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म है क्योंकि ये इसमें लव रोमांस अफेयर कमर्शियल मार धाड़ हंसी मजाक सारी चीजें हैं, पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म एंटरटेन। कमर्शियल एंटरटेन। सर बात करें आप किरदार की तो कितना पावरफुल किरदार है तो आप फिल्म में देखेंगे फिर भी कितना पावरफुल है। अपनी कहानी, मैं अपनी कहानी आप दे सकते हैं फिल्म में, मेरी जो भी कहानी है वो आपको नजर आएगी। मैं एक कॉलेज के स्पोर्ट्स ऑफिसर और स्पोर्ट्स ऑफिसर का रोल किया है इन्होंने, और इन्हीं के कॉलेज में छोटा भाई जो है वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, वहाँ अपने जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट की जो लड़की है उससे उनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो लड़की जो है कोच को चाहती है, कोच को इनके बारे में कुछ पता नहीं, और वापस में इनके हिसाब से ऐसा होता है कि वो बार बार टीच करता है कि कहीं वो आपको पसंद तो नहीं, तो इनका कहना रहता है कि वो जो लड़की है जो मुझे आज तक जो पसंद आए वैसी कोई लड़की मिली ही नहीं अभी तक। एंड देन इनके गांव में एक लड़की आती है जो दीपांशी होती है और इनका अफेयर चलता है। जी जी आपको नजर आएगा अभी शाम को, अभी प्रोमो दिखाएंगे आपको नजर आएगा। पूरी फिल्म स्टंट भरी हुई है, एक्शन मारधाड़ और रोमांस से लेके भरपूर मिलेगा आपको फिल्म नजर आएगी। माई कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर फॉर मी। आई वॉज अ प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ कॉलेज गोइंग गर्ल एंड शी इज यू नो वेरी श्रूड एंड रूड टू एवरीबडी। बहुत घमंडी लड़की है, बहुत प्राउडी है, बिकॉज शी इज बेसिकली शी इज फ्रॉम वेरी वेरी रिच फैमिली। बट जब जो मेरे एक्टर हैं, जो मेरे को एक्टर हैं जेबी राणा सर जो मेरे साथ हीरो हैं, जब हीरो जब मेरे से इंटरेक्ट करता है और यू नो जब मेरी घमंड तोड़ने की कोशिश करते हैं तो मैं थोड़ा सा यू नो डाउन टू अर्थ हो जाती हूँ। और फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत साफ सुथरी फिल्म है, बहुत मज़ा आया काम करके। दिस इज़ फुल ऑफ कमर्शियल फिल्म और आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं इसको। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।